शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हिमाचल में भारी बर्फबारी के चलते स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। लाहौल और उदयपुर दो ऐसे उपमंडल हैं जिनमें ये आदेश जो है वो लागू होंगे। अगले दो दिन सभी शिक्षण संस्थान यहां पर बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक और आंगनबाड़ी केंद्र सभी यहां पर बंद रहेंगे। इसको लेकर के आज DC राहुल कुमार ने आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, स्कूलों को इसलिए बंद किया गया है सभी शिक्षण संस्थानों को, क्योंकि वहां पर भारी बर्फबारी हुई है। काजा में आप देखेंगे, उदयपुर में आप देखेंगे, लाहौल में आप देखेंगे, सब जगह जो है वो भारी बर्फबारी हुई है और उसी के चलते निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, हिमाचल में आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, वहीं जो निचले क्षेत्र है वहां पर तूफान चला है पूरा दिन। शिमला की बात कर लीजिए, कांगड़ा की बात कर लीजिए, धर्मशाला की बात कर लीजिए, वहां पर तूफान चला है। और कल भी प्रदेश में भारी बारिश व बर्फबारी व तूफान का ऑरेंज अलर्ट है। आपको बता दें, पहाड़ों पर 24 फरवरी तक मौसम खराब बना रहेगा। और प्रदेश में बीते 24 घंटे में जो हमारे पास आंकड़े पहुंचे हैं, कह सकते हैं आप मौसम विज्ञान केंद्र से, कुकुमसेरी में सबसे अधिक बर्फबारी हुई है। यहां पर 50.6 सेंटीमीटर हिमपात दर्ज किया गया है। इसके अलावा उदयपुर में 39.0, गोंदला में 27.0, केलांग में 21.0, हंसा में 10.0, कल्पा में 1.6 व पूह में 1.0 सेंटीमीटर तक बर्फबारी आंकी गई है। अगर आप हिमाचल घूमने आना चाहते हैं, अगर आप लाहौल स्पीति जाना चाहते हैं, तो अभी फिलहाल कुल्लू मनाली के रास्ते आप जा सकते हैं। अटल टनल रोहतांग में भी बर्फबारी हुई है, उसके बाद वहां का जो नजारा है वो देखने वाला है, आप वहां पर जा सकते हैं। हालांकि लोगों से अपील है कि अपने वाहनों की जो गति है वो धीमी रखें आप। इसके अलावा बात करें बारिश की, तो बारिश आज भरमौर में, पालमपुर में, चंबा, मनाली, डलहौजी और रिकांगपिओ यहां पर बारिश हुई है। शिमला में जो मेन शिमला है यहां पर जो है बारिश तो नहीं हुई आज शिमला में, लेकिन यहां पर तूफान चला आज और भयंकर तूफान था शिमला में। और अभी जो अगले दो दिन है, आज रात को भी मौसम खराब रहने वाला है, अगले दो दिन कल और परसों भी मौसम खराब रहने वाला है। और इसमें कल ऑरेंज अलर्ट है और परसों जो है वो येलो अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट यानी भारी से भारी वर्षा और बर्फबारी, केवल जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र जहां पर आप कह सकते हैं, जो आप चोटियां कहते हैं चोटियों पर बर्फबारी होने की संभावना है, जो मिडल हिल्स से लो हिल्स पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, तो ये हो गया जी। इसके अलावा नई एक्साइज पॉलिसी पर आज बड़ा जो है वो हंगामा हुआ है और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो ठेकेदार हैं, ठेकेदारों को लाभ देने के लिए पॉलिसी बनाई गई है। ऐसी पॉलिसी केजरीवाल भी लाए थे दिल्ली में, आज उनके 3 मंत्री सलाखों के पीछे हैं, उसमें से एक डिप्टी CM है जो सलाखों के पीछे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में राज्य सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल उठाया। बजट भाषण पर चर्चा में बोलते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि इस पॉलिसी में ठेकेदारों को लाभ देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि इसी तरह की पॉलिसी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बनाई थी, जिसके बाद आज देखिए सामने है उनके 3 मंत्री सलाखों के पीछे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि यही स्थिति हिमाचल में भी बनने जा रही है। सोमवार को यानी आज जो है वो इसमें बजट अभिभाषण में चर्चा हुई और चर्चा में भाग लेते हुए जो है वो जयराम ठाकुर ने ये बड़ी बात कही और सरकार आबकारी से 1855 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने की बात कर रही है, जो 40% ज्यादा बताई जा रही है। जबकि हकीकत यह है, उन्होंने जो है वो दावा बोला है, हकीकत यह है कि राजस्व में महज 16-17% तक की ही जो है वो बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि एक्साइज से 2500 करोड़ आना चाहिए था, लेकिन अभी भी इसमें 400 करोड़ रुपए का जो घाटा है वो चला हुआ है। ये जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर ने सरकार को ठेकेदारों की एक बड़ा मुद्दा प्रदेश का, इसको लेकर के भी जयराम ठाकुर ने अपना बयान दिया है वक्तव्य में। उन्होंने कहा है कि सरकार को ठेकेदारों की जो पेमेंट है उस पर उन्होंने घेरा है कि क्यों पेमेंट नहीं हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को बने हुए 14 महीने का समय हो गया है, ठेकेदारों को 14 मंथ से पेमेंट नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के ही विधायक ये कह रहे हैं कि पहले उनके ठेकेदारों की पेमेंट कर दी जाए, उसके बाद आगे की जो पेमेंट है उसके बारे में देखा जाए। ये जो है वो कांग्रेस के ही विधायक कह रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने इस पर बड़े भ्रष्टाचार होने के भी जो है वो आरोप लगाए, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है और पेमेंट क्यों नहीं की जा रही है, और जो कह सकते ठेकेदार हैं वो काम कैसे करेगा अगर आप पुरानी पेमेंट नहीं करेंगे, ये उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो पेमेंट है वो रिलीज होनी चाहिए ठेकेदारों के प्रदेश में। इसके अलावा DA के मसले पर उन्होंने आज जुबानी हमला बोला है। आपको मालूम है, जिस दिन CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना बजट भाषण पढ़ा, उस दिन दिल्ली गए थे जयराम ठाकुर। आज वापसी आने पर उन्होंने जो है वो जो कर्मचारियों को DA है उस पर बड़ा जो है वो कह सकते हैं आप
सवाल किया, जवाब दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि रिसोर्स जनरेट हुए तो विकास कार्य और कर्मचारियों को डीए क्यों रोका गया, उनका क्यों नहीं दिया गया डीए। और जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार कह रही है कि प्रदेश में एक साल में रिसोर्स जनरेट हुआ है। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि अगर आय के साधन जुटे हैं तो प्रदेश का जो विकास है वो क्यों रुका हुआ है, कर्मचारियों को अभी तक डीए क्यों नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया जो बजट है वो पूरी तरीके से दिशाहीन है, इसमें बेरोजगारों, कर्मचारियों, बागवानों, किसानों को राहत देने की कोई उम्मीदें नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि एक साल में प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। और जयराम ठाकुर ने यह भी, देखिए पूरा मामला देखें तो जो ये डीए का मामला है जयराम ठाकुर ने उठाया, उन्होंने कहा है कि जब रिसोर्स जनरेट हो गए थे तो फिर आपने डीए क्यों नहीं दिया, क्यों लटकाया, जबकि डीए की जो घोषणा है वो 25 तारीख को होनी चाहिए थी, ये उन्होंने कहा। अब सरकार कह रही है कि डीए तो हम देंगे लेकिन अब पेंडिंग बहुत हो गया है, जबकि हमारी सरकार ने डीए भी दिया समय समय पर और इसके अलावा जो एरियर है उसकी एक किस्त भी दी। एरियर के मामले पर उन्होंने कहा कि एरियर क्यों सरकार नहीं दे रही है, ये उन्होंने जुबानी हमला बोला है। इसके अलावा कर्मचारी चयन आयोग का बड़ा मामला है और इसको लेकर के जो नया राज्य चयन आयोग बना है, यहां पर जो पोस्ट कोड है इनकी लिखित परीक्षाएं जो है वो करवाई गई, सरकार उनके बारे में सोचना शुरू करें, ये मामला भी जयराम ठाकुर ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जब जो है कांग्रेस विपक्ष में था उस वक्त इनके मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, लेकिन आज सत्ता में आने के बाद 1.5 साल होने को आ गए हैं लेकिन 1.5 साल में सरकार इनका रिजल्ट नहीं निकाल पा रही है। उस वक्त वोट लेने के लिए रिजल्ट जो है वो निकालने की उन्होंने बात की थी। ओपीएस के मामले पर भी जो है वो जयराम ठाकुर ने आज बड़ा तीखा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार प्रदेश की जनता से तो झूठ बोली रही है, कर्मचारियों से भी झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अब सरकार केंद्र से 8,000 करोड़ रुपए लेने की बात कह रही है और केंद्र सरकार वो पैसा सरकार को क्यों वापसी दे प्रदेश को, जबकि वो पैसा तो कर्मचारियों का है, तर्कसंगत नहीं है। कुल मिला के देखें, ओपीएस का मामला हो गया, डीए का मामला हो गया या फिर जो और मुद्दे हैं उस पर आज जयराम ठाकुर ने जमकर जुबानी हमला बोला है। और ठेकेदारों की जो पेमेंट है उस पर भी उन्होंने कहा है कि पेमेंट क्यों नहीं हो रही है। और जो बड़ा मुद्दा है वो उन्होंने कहा है कि जो एक्साइज पॉलिसी है नई आबकारी नीति प्रदेश की, उसमें जैसे 3 मंत्री पहले जो है वो दिल्ली सरकार में जो है वो अंदर चले गए हैं जेल के अंदर, यहां पर भी आने वाले समय में आप देखेंगे रिजल्ट कुछ ऐसे ही होंगे, इसमें फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा बात करें, विधानसभा में आज करुणामूलक का मामला गूंजा है। करुणामूलक यानी ऐसे लोग जिनके माता पिता की ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है, उसके बाद परिवार के लोगों को जो है वो जॉब मिलती है। अब देखिए करुणामूलक का मामला कैसे उठा, मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसमें जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि करुणामूलक पॉलिसी पर सरकार काम कर रही है और कई विभागों ने अभी जो है वो ब्यौरा नहीं भेजा है। ये जो सवाल है, ये जो एमएलए हैं भरमौर के डॉक्टर जनकराज और कांग्रेस के जो एमएलए हैं राजेंद्र राणा सुजानपुर से आते हैं, इन्होंने सवाल पूछा, कंबाइंड सवाल था। राजेंद्र राणा ने जो सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि 5,000 से अधिक पद करुणामूलक के खाली चल रहे हैं और इसको कब तक भरा जाएगा। उधर अनुपूरक सवाल करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी जो है सरकार को घेरा और बीजेपी सरकार में जो है वो कांग्रेस जो जयराम ठाकुर बड़ी बात कही, हालांकि जो सवाल है उसका जवाब आ गया है कि हम सरकार कह रही है कि हम पॉलिसी बना रहे हैं, कुछ विभागों से जो है वो ब्यौरा मांगा गया है। लेकिन इस पर जयराम ठाकुर ने भी कहा कि जब हम सत्ता में नहीं थे उस वक्त कांग्रेस नेता जो है वो करुणामूलक के जहां पर धरने होते थे वहां पर पहुंच जाते थे, लेकिन अब तक जो है वो 1.5 साल हो गए हैं लेकिन एक भी लोगों को नौकरी नहीं मिली है। ऐसे में जल्द से जल्द जो करुणामूलक जॉब है, जो नौकरियां हैं वो बहाल की जाए। और एक डिमांड और की गई आज, उन्होंने कहा है कि जो कह सकते हैं आप इनकम क्राइटेरिया है उसमें भी थोड़ी सी जो छूट है वो मिलनी चाहिए, ये डिमांड की है। करुणामूलक का बड़ा मसला है प्रदेश, आपको मालूम है क्लास 3 क्लास 4 की जॉब तो कह सकते हैं क्लास 4 की होगी, क्लास 3 की मैक्सिमम है जो अभी नहीं हो पाई है। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें लगभग कुछ जो ऐसे हैं 2003-04 में डेथ हो गई है पेरेंट्स की ऑन ड्यूटी, आज देखिए 20 साल होने को आ गए हैं, 20 साल से इनको करुणामूलक जॉब नहीं लगी है जो लगती है। इसमें कहीं ना कहीं जो इनकम क्राइटेरिया है वो बीच में आ रहा है, सरकार कह रही है कि हम इस पर प्रॉपर पॉलिसी बना रहे हैं, अब देखना पड़ेगा कब तक इनकी जो जॉब है वो इनको वापसी मिलती है। इसके अलावा बात करें शाहपुर के कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया की, तो इन्होंने आज शराब पर जो मिल्क सेस है उसका सवाल पूछा, अनुपूरक प्रश्न किया इन्होंने, और इस पर उद्योग मंत्री ने जो जवाब दिया है, देखिए जो शराब है, जो प्रदेश में शराब बिकती है उस पर जो है वो जो मिल्क सेस लगाया था सरकार ने पिछली बार, इससे अभी तक कितनी आय जो है वो सरकार को हुई है, इस पर उद्योग मंत्री ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि शराब पर मिल्क सेस से 10 रुपए जो है प्रति बोतल लगाया गया है, यानी एक बोतल
पर 10 रुपए जो है मिल्क सेस है। 90 करोड़ रुपए अभी तक एकत्र कर दिए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 100 करोड़ रुपए का जो राजस्व है वो इससे हो जाएगा। और पिछले 4 वर्षों में शराब के ठेकों की जो नीलामी होती थी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शराब के ठेके नीलाम करने के बाद आबकारी से राजस्व जो प्राप्तियां हैं उसमें 40% वृद्धि हुई है, ये दावा किया है हर्षवर्धन चौहान ने। कुल मिला के देखें 90 करोड़ रुपए इससे जो राजस्व आ गया है जिसको अब खर्च किया जाएगा। जो प्रदेश में जो मिल्क से रिलेटेड जो प्लांट बनने जा रहे हैं, आपको मालूम हमने बताया था डगवार में बनने जा रहा है, इसके अलावा एक संयंत्र लगाने जा रहे हैं आपके रामपुर में जो दत्तनगर है वहां पर संयंत्र लगाए जा रहे हैं, तो अब जो पैसा है ये उस पर खर्च किया जाएगा। तो ये हो गया जी। इसके अलावा रणधीर शर्मा का एक सवाल था, हम ये इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि जो आपको हम ये प्रश्नकाल बताते हैं कि आपके जो विधायक आपने चुनकर भेजे हैं विधानसभा में, क्या आपके आपसे रिलेटेड जो सवाल हैं ये पूछते हैं विधानसभा में, और कौन कौन से सवाल, हालांकि बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जो गिने चुने महत्वपूर्ण सवाल है वो हम ले लेते हैं बुलेटिन में, तो आपको वही बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। रणधीर शर्मा की बात करें तो रणधीर शर्मा ने सवाल पूछा कि सरकार ने अपने कार्यकाल में जल शक्ति विभाग के कौन कौन से मंडल डिनोटिफाई किए तथा उनमें कितने जो है वो जो मंडल हैं उनको पुनः अधिसूचित कर दिया है, और शेष मंडलों को कब तक दोबारा अधिसूचित जो है वो किया जाएगा, यानी जो डिनोटिफाई संस्थान किए गए हैं उसको लेकर उन्होंने सवाल पूछा। इसका जो जवाब है उद्योग मंत्री ने दिया, उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंडल राजगढ़, सुजानपुर, जयसिंहपुर, नादौन, कोठीपुरा, बालीचौकी, धर्मपुर और जल शक्ति मंडल कांगड़ा, को सभी को जो है वो डिनोटिफाई किया गया। वहीं 2 मंडल कार्यालयों को जो है वो दोबारा अधिसूचित कर जो है वो किया गया है, जिनमें जल शक्ति मंडल राजगढ़ हैं और नादौन हैं। जहां तक शेष मंडल कार्यालयों को दोबारा अधिसूचित करने की बात है, प्रश्न है, यह सरकार का नीतिगत मामला है, सरकार जो इसमें निर्णय लेती है सहमति से कैबिनेट के अंदर होता है, वही जो है वो कैसे नीतिगत मामला है ये उन्होंने कहा है। तो ये जो ऊपर वाले हमने आपको बताए, 2 बताए हमने आपको, 1 बताया आपको हमने राजगढ़ और नादौन वाला, ये खोल दिए हैं वापसी, लेकिन जो दूसरे वाले ऊपर वाले हैं इस पर सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रहे हैं, यानी अभी तो नहीं खुलेंगे, इसको लेकर के अभी जो है वो डिनोटिफाई कर दिया गया था, फिर से इनको जो है वो नहीं खोला गया है फिलहाल, इसका ये जो मामला नीतिगत मामला ये इन्होंने कहा है। इसके अलावा बात करें सतपाल सिंह सत्ती की, तो इन्होंने आज सवाल पूछा कि प्रदेश में कितने पद पशु चिकित्सकों के जो है रिक्त चल रहे हैं, ये मामला उन्होंने उठाया है, और उन्होंने ये भी कहा कि कितने जो प्रश्न पूछा कि कितने औषधालय व चिकित्सालय क्रियाशील हैं, इसका जवाब दिया पशुपालन मंत्री ने, उन्होंने कहा कि 1762 नियमित पशु औषधालय मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अंतर्गत 948 औषधालय व 472 पशु चिकित्सालय क्रियाशील हैं, और पशु चिकित्सकों की जो वो वरिष्ठ जो पशु चिकित्सक है उनके 535 पद हैं वो भर दिए गए हैं, सृजित हैं, जो लगे भी हुए हैं, 77 पद रिक्त चल रहे हैं, सीधी भर्ती द्वारा 56 पदों को भरने की जो प्रक्रिया है वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी है। वहीं पशु जो औषधीय जगहों के 187 पद जो भरने का मामला है वो उच्च न्यायालय में चल रहा है, उसमें जो निर्णय आएगा उसके बाद यहां पर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं कि गांव में जो पशु चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं पशुओं के, वो नहीं है, तो इसमें जो रिप्लाई आया मंत्री का वो मैंने आपको बता दिया है, कुछ पद अभी खाली चल रहे हैं और सीधी भर्ती के माध्यम से 56 पद बहुत जल्दी लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे, ये जवाब दिया गया है। तो कुल मिला के देखें पशु चिकित्सकों का मामला है ये आज विधानसभा में जो है वो उठा है। एक और बड़ी खबर है, हिमाचल में 10 स्कूली बच्चों में मम्प्स जो है वो पाया गया है। अब मम्प्स क्या है बताएंगे आपको, और मम्प्स की बीमारी जो है वो स्कूलों में आई है, एक स्कूल में आई है, हमीरपुर के भोरन क्षेत्र के एक निजी स्कूल में 10 बच्चों में इसके लक्षण पाए गए हैं मम्प्स के, और 200 बच्चों की जो स्क्रीनिंग है वो की गई, और इस मामले में आप देखिए जब 10 बच्चे पॉजिटिव आ गए, मम्प्स कह सकते हैं मम्प्स से पॉजिटिव हो गए हैं, तो इस मामले में जो CMO है हमीरपुर के डॉक्टर R.K. अग्निहोत्री, उन्होंने बताया कि अगर ऐसे मामले आ जाते हैं स्कूल प्रशासन में तो प्रिंसिपल्स और जो शिक्षा विभाग है वो देख लें, कम से कम 7 दिन की जो छुट्टी है वो बच्चे को होनी चाहिए इसमें जो मम्प्स है। अब मम्प्स क्या है वो बता देते हैं आपको, मम्प्स एक गंभीर वायरल संक्रमण होता है जिसमें दर्दनाक जो है वो कह सकते हैं आप, दर्दनाक दर्द होती है बहुत ज्यादा, और इसके जो लक्षण हैं वो ठंड लगना, सिर दर्द, भूख का कम हो जाना, बुखार और बीमार करना शामिल है। इसके बाद जो लार ग्रंथियां होती है सूजन आ जाता है, इसमें देखिए जो गले के नीचे का जो पार्ट है इसमें सूजन आ जाता है, किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने से हवा में मिली छोटी छोटी बूंदों के बीच सांस लेने या संक्रमित लार से दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क में आने से बच्चों में मम्प्स पाया जाता है। तो मम्प्स आपको समझ सकते हैं गले के नीचे वाले उसमें जो है वो ये बीमारी होती है। तो 10
बच्चे आए हैं निजी स्कूल में। उसके बाद जो सीएमओ है उन्होंने ये कहा है कि बच्चों को कम से कम 7 दिन की छुट्टी दी जाए, और जैसे बच्चा खांसता है कई बार और एक बच्चा दूसरे बच्चा बहुत नजदीक है तो उससे भी ये जो है संक्रमण हो जाता है छींकने से या फिर सीधे संपर्क हो जाता है। तो ये एक और अपडेट हमारे पास था। तो आपसे छोटी सी अपील है कि मंग्स बीमारी बढ़ रही है स्कूलों में, तो थोड़ा अपने बच्चों को आप एहतियातन ये बोल दें कि अगर किसी बच्चे में ऐसा है तो थोड़ा उससे आप दूरी बनाएं, और जो बच्चा स्कूल में आ रहा है उसको आप ये कहिए कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, थोड़ा सा दर्द बहुत होता है लेकिन जो है वो आप फिर उसको छुट्टी दे सकते हैं स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो छुट्टी दे सकते हैं। तो मंग्स के 10 केस आए हैं जी। इसके अलावा बात करें एक बड़े मसले को लेकर के, देखिए बजट सत्र हो गया है, जो बजट था प्रदेश का वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पढ़ लिया है। आपको मालूम है किसको क्या सौगात मिली, हमने संक्षेप में बता दिया है। लेकिन विधानसभा के बाहर एसएमसी शिक्षक आज गरजे हैं, चौड़ा मैदान के बाहर इन्होंने जो है वो सैकड़ों की संख्या में पहुंचे थे शिक्षक, महिला शिक्षक जो है वो दूर दूर से पहुंचे थे शिक्षिकाएं, और कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ पहुंची थी। और इनका जो बड़ा मसला है वो ये है कि सरकार कह रही है कि हमने आपका वेतन 2000 रुपये बढ़ा दिया है, 1900 रुपये बढ़ा दिया है, लेकिन पिछली बार जो बजट सत्र हुआ था उसमें 2000 बढ़ाया गया था, यानी पिछले साल से भी कम वेतन बढ़ाया गया है, ये इनका कहना है। और इनका ये भी कहना है कि हमें वेतनमान आप बढ़ाइए जितना मर्जी, 1900 बढ़ाइए, 500 बढ़ाइए, 1000 बढ़ाइए, लेकिन हमें नीति चाहिए। यानी इनकी डिमांड ये है कि हमें रेगुलर पॉलिसी चाहिए, और जब आपने पैरा पीटीए सबके लिए नीति बना दी है तो हमारे से क्या गुस्ताखी हुई है, ये इनका कहना है। और सरकार हमारे बारे में भी सोचे हैं, और पूरा दिन चौड़ा मैदान के बाहर इन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, और इनका यही कहना है कि हम यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक सरकार जो है पॉलिसी की घोषणा नहीं करते हैं। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि हमारे पढ़ाई हुए जो बच्चे हैं आज हमारे स्कूल में टीचर बनकर आ गए हैं, कुछ ऊंचे पद पर है, कुछ एसडीएम बन गए हैं, लेकिन हम आज भी सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। हमारी कोई ऐसा नहीं कि उनसे है, लेकिन हमारा भी सम्मान है, हमें आजकल अपने जो स्कूल है वहां पर पीएम से छुट्टी लेनी पड़ती है क्योंकि हम जो है वो शिक्षक ही नहीं है, कह सकते हैं हमारे लिए पॉलिसी नहीं है। तो ये इनका कहना है। लेकिन सरकार का, आप कहें सरकार ये कह रही है कि हम जो अभी कैबिनेट कमेटी बनाई गई है उसमें इसके जो सिफारिशें हैं वो सिफारिशें कैबिनेट में जाएगी, उसके बाद इनका वेतनमान बढ़ेगा या फिर पॉलिसी बनेगी। लेकिन इनकी साफ डिमांड ये है कि हम अब शिमला में तो डटे रहेंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। इनका ये भी कहना है, बच्चे हमें बार बार फोन कर रहे हैं और शिक्षक का फर्ज होता है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं शिक्षक कि हम बच्चों को फोन पर कुछ ना कुछ टिप्स दे दें। स्कूलों में तो पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो है वो इनका कर्म छोड़ो हड़ताल चल रही है। और इनका ये भी कहना है कि एक शिक्षक से हमने भी बातचीत की, उनका ये कहना था कि हम जो है वो सिरमौर से आते हैं, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे टॉप 10 में हिमाचल प्रदेश में थे, जो मध्य प्रदेश में बोर्ड के एग्जाम हुए हैं उसमें टॉप 10 में हमारे बच्चे हैं। एक शिक्षिका ऐसी थी, उसने कहा कि हमारे स्कूल में 7 टीचर हैं जिसमें से 5 एसएमसी शिक्षक हैं, 2 रेगुलर वाले हैं, और पूरा जो स्कूल है वो एसएमसी शिक्षकों से चल रहा है, और 103 बच्चे हम पढ़ा रहे हैं स्कूलों में। जब से एसएमसी शिक्षक आए उसके बाद से उस स्कूल में बच्चों का जो है वो अटेंडेंस बढ़ी, यानी और बच्चों ने जो है वो वहां पर अपने पेरेंट्स ने अपने बच्चे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजे। हमने अटेंडेंस भी बढ़ाई, पढ़ा भी रहे हैं 5 शिक्षक, आपने केवल 2 शिक्षक दिए हैं रेगुलर, फिर हमारे लिए पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जा रही है। एक जो शिक्षिका थी वो अपने बच्चे को लेकर स्कूल, अपने जो बच्चे हैं उसको लेकर शिमला पहुंची थी, उसका ये कहना है मैं ऊना से हूं लेकिन मैं जो है वो सेवाएं सिरमौर में दे रही हूं, और वहां पर मेरी जो फैमिली है वो नहीं रहती है, मेरी बच्ची रहती है, वो स्कूल चली जाती है, मैं भी स्कूल चली जाती हूं, उसके बाद जब वो बच्ची वापसी आती है फिर किसी जो पड़ोसी है उसके बाद मैं छोड़ देती हूं, वहां पर पड़ोसी संभालते हैं, यानी मैं घर से दूर हूं ऊना से, अगर मैं सिरमौर गई हूं तो फिर जो है वो जाने के बाद बच्चे को भी संभाल रही हूं, और आज इसलिए मुझे अपने साथ लाना पड़ा कि वहां पर किसके पास में रखती, यानी अपना अपना दर्द उन्होंने बताया। लेकिन बात वही है, इनकी साफ डिमांड ये है कि हमारे लिए सिर्फ पॉलिसी बनाई जाए, वो भी रेगुलर पॉलिसी, और इसके अलावा हमारे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इनका ये कहना है कि अगर सरकार हमारे लिए पॉलिसी बनाती है रेगुलर पॉलिसी, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो आप हमें धक्के मारकर बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए पॉलिसी बनाई जाए, ये इनका कहना है। अब बात करते हैं JIT 817, ये बड़ा मुद्दा है, और पिछले 4 साल से ये मुद्दा विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर खूब गूंजा। कई नेता पहले गए, जो कांग्रेस के नेता अभी वर्तमान में हैं वो जब विपक्ष में थे तो इनसे मिलने गए, अब भाजपा विपक्ष में है तो अब वो नेता चले गए, जयराम ठाकुर समेत सब चले गए, लेकिन इनका रिजल्ट आज भी नहीं आया है। कहना यही है कि विजिलेंस जांच चल रही है, आपका रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है, थोड़ा इंतजार करिए, हम जो है वो जल्द जल्द निकालेंगे। आज इन्होंने नई डिमांड रखी है, इनका ये कहना है कि जो कैबिनेट कमेटी बैठक जो है वो होनी है इसको जल्द से जल्द कराया जाए, नंबर एक। दूसरा इन्होंने कहा है कि अगर विजिलेंस जांच चल रही है तो सरकार कम से कम तब तक कंडीशनल भर्ती तो दे
दे हमें। और कुछ ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी वहाँ पर एस्पिरेंट्स थे जिनका ये कहना था कि हमारी उम्र 35 हो गई है और 30 साल में जब हमने एग्जाम दिया उस वक्त हमारा लास्ट साल था ओवरेज का, और उस वक्त हमने दिन रात पढ़ाई की और हमने किसी भी हाल में उसको जो है वो तीसरा अटैम्प्ट था, किसी का दूसरा अटैम्प्ट था, हमने इस एग्जाम को निकालना था। लेकिन अब 35 साल हो गए, 4 साल हो गए, 34-35 साल उम्र हो गई है, लेकिन सरकार ने रिजल्ट नहीं निकाला है। ना हम अब घर के हैं, ना कहीं और काम कर सकते हैं। तो इनका यही कहना है। और जो वहाँ पर एस्पिरेंट्स थे कुछ बीमार भी हो गए और बीमारी के बाद वहाँ पर वापसी पहुँचे, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिनके आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। उनका यही कहना था, सर हमारा क्या कसूर है, कुछ बच्चों ने पेपर लीक किया होगा, हमारी गलती नहीं है, उन पर कार्रवाई कीजिए आप। हम तो कह रहे हैं कार्रवाई कर लीजिए उन पर, लेकिन हमारा रिजल्ट निकाल दिया जाए। तो इनकी अब डिमांड है कि कम से कम अगर आप फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, कंडीशनल भर्ती तो हमें दी जाए, ये इनकी अब सरकार से डिमांड है। इनका यही कहना है कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे शिमला से जब तक जिनका क्रमिक अनशन चल रहा है, क्रमिक अनिश्चितकालीन अनशन इनका चल रहा है, तब तक यहीं पर रहेंगे शिमला में ही जब तक जो है वो सरकार हमारा रिजल्ट नहीं निकालती है, ये इनका कहना है। रात को शिमला में मालूम है आपको, आजकल पूरा दिन तूफान था, रात को जो है वो कई बार बर्फबारी से इनका शुरुआत हुई है, जब बर्फबारी शिमला में हुई थी तब से ये क्रमिक अनशन कर रहे हैं। डिमांड यही है सरकार रिजल्ट निकाले, देखना पड़ेगा कब तक रिजल्ट आता है। इसके अलावा बात करें एनटीटी भर्ती की, तो ये बड़ी भर्ती रही है, सुरक्षा में रही है भर्ती। अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में कह दिया है कि मैं इसी साल जो सरकार है वो 6,000 नई भर्तियां करेगी एनटीटी शिक्षकों की। अब सवाल ये है, जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं जो पात्र हैं उनसे ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, इसके अलावा जो 2 साल का डिप्लोमा है एनटीटी का उनको भी एलिजिबल है, यानी वो भी इसमें आएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि जिनके पास एनटीटी का 1 वर्ष का डिप्लोमा है क्या उनको रखा जाएगा, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी अप्रैल मई तक ही भर्ती नहीं होने वाली है, अप्रैल मई के बाद ये भर्तियां होगी आगे, क्योंकि अभी आचार संहिता लग जानी है, लेकिन ये सरकार कह रही है कि इसी साल जो है वो एनटीटी भर्तियां होगी। तो ये एनटीटी भर्ती को लेकर के अपडेट था।